नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पश्चिमी यूपी के सियासी मिजाज को देखते हुए पीएम मोदी खुद ही 2022 के चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने किसानों की नाराजगी को पहले ही दूर करने के लिए कृषि कानून की वापसी कराकर मास्टर स्ट्रोक चला। वहीं अब पश्चिमी यूपी में विकास की सौगात से उसे नवाज रहे हैं। इस तरह से भाजपा की उम्मीदें पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं ताकि सूबे में 2014 से लहलहा रही कमल की फसल को 2022 के लिए पर्याप्त खाद पानी मिल सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण और बुंदेलखंड को विभिन्न उपहार देने के बाद अब पीएम मोदी पश्चिमी यूपी को साधने के लिए उतर चुके हैं। पहले कृषि कानूनों की वापसी और अब प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर में एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के साथ साथ एक बड़ी रैली को संबोधित कर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत को उन्होंने सुनिश्चित किया। 34,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद के आसपास के इलाकों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने, कभी हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों के ताने। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। 15 साल बाद बीजेपी ने 2017 में यूपी की सत्ता में वापसी की थी। उसमें पश्चिमी यूपी की भूमिका अहम रही। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 136 सीटें पश्चिमी यूपी में आती हैं। इस तरह से सूबे की एक तिहाई सीटें इसी इलाके में हैं और बीजेपी इनमें से 80% सीटें जीतने में कामयाब रही थी। उत्तर प्रदेश के सियासी चौखट पर बीजेपी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए विपक्ष के खिलाफ अपने तर्कश में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, किसान और विकास के जरिए सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी को पश्चिमी यूपी में चुनावी समर में उतरने में मदद मिलेगी। तो जेवर एयरपोर्ट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी सहित कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात सत्ता में वापसी की राह को आसान बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विकास की सौगातें दी जा रही है और इसी कड़ी में आज जेवर एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया गया। इसी के साथ अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगामी चुनाव जो होने वाला है, अब वो दावों का नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होने वाला है। लेकिन आगे वाले चुनाव में किसको इसका फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।